नमस्कार, मैं सचिन शर्मा स्वागत करता हूं आपका आई टुडे न्यूज पर। आज बात करते हैं अपने क्षेत्र की कुछ ताजा खबरों के साथ। 5 माह पहले हुए एक्सीडेंट का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। ये एक्सीडेंट महज एक्सीडेंट नहीं था, इसमें अवैध सामग्री के चलते महिला ने सुपारी देकर हत्या कराई तो जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामला बरेली के थाना बिथरी चंदपुर के गांव प्रतापपुर का है, जहां की रहने वाली रीमा पत्नी राजेंद्र के गाँव के ही नितिन से नाजायज संबंध थे, जिसका पता उसके पति राजेंद्र और ससुर को चला, जिसके चलते रीमा को काफी खरी खूंटी सुनाई और विरोध किया। इससे खफा होकर रीमा और प्रेमी नितिन ने दोनों को मारने की प्लानिंग बनाई, जिसमें एक बदमाश प्रमोद को 1 लाख रुपए की सुपारी दी और एक एक्सीडेंट करवाकर हत्या करा दी। तुम्हारे सामने मरवाओ है क्या हुआ तो हुआ क्या है ये तो बताओ। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो झूठा आरोप लगाया जा रहा तुम पे। जो जो सच्चा आरोप लगाया जा रहा है, मामला क्या है फिर? ये मामला बता दो, मामला क्या है? तुम्हें क्यों लाई है पुलिस, क्यों पकड़ा तुम्हें? 6 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसमें साजिश रची गई कि इसमें मेरा हाथ था, मैं ट्रक चलाने गई थी। किसका एक्सीडेंट हुआ था? मेरे पति का, मेरे ससुर का। अच्छा, फिर? फिर उसमें उनके तहरे भैया ना ये सब करा है, जो कुछ करा है। तो आप पीछे ला, आप पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? बोलो, जायदाद के पीछे ला। जब मैं यहाँ चली आई, ससुर खत्म हो गया, आदमी भी खत्म हो गया, घर पे रह कौन, ना देवर है ना जेठ है, छोटे बच्चा है बस। शादी का कितना समय हुआ था? 8 साल हो गए थे। 8 साल हो गए थे आपका। और ये कौन है जिसको पकड़ा गया है? जी साथ के वहीं के रहने वाले हैं। आपके कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है, जानती नहीं है आप? जानते तो हैं। कौन है ये? जानती हो आप तो कौन है, क्या नाम है, क्या करते हैं? हुआ था जिसमें पिता और पुत्र की जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उनकी एक ट्रक के द्वारा जब एक्सीडेंट हुआ तो दोनों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में पुलिस के द्वारा इसमें एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो ट्रक चालक है उसको खोजबीन उसको पकड़ने की धरपकड़ की जा रही थी। जब बाद में पुलिस के द्वारा इसमें गहन विवेचना की गई तो ये पाया गया कि ये मात्र एक एक्सीडेंट का मामला नहीं था, इसमें सोची समझी रणनीति के तहत इसमें हत्या की गई थी। इस मामले में जो तथ्य आए, इसमें जो महिला है, जो मृतक पति है, उसकी जो पत्नी थी उसका एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था और उस अवैध संबंध के चक्कर में ही जो उसका जो प्रेमी था उसके द्वारा जो ट्रक का ड्राइवर है उसको 1 लाख रुपए की सुपारी देकर पिता और पुत्र को मरवा दिया गया। और इस मामले में पुलिस के द्वारा जो पत्नी है और उसका जो प्रेमी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो ट्रक का चालक है वो भी फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा।